हेलो वेलकम, कैसे हैं आप? मज़े में हैं? आई होप कि आप मज़े में होंगे, तो फिर एक स्माइल कीजिए ना। ओके, तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, मैं सबसे पहले, जैसा कि आपको ये हेडिंग दिख रहा होगा, हेडलाइन रियल नंबर, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि ये 10th CBSE का टॉपिक है। 10th CBSE मैथमेटिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर, फर्स्ट लेसन है रियल नंबर। मैं किस प्रोसीजर में वीडियो को लेके चलने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जो भी बनेंगे, वॉट एवर, पर जो प्रोसीजर होगा जिसमें हम कवर करेंगे सिलेबस को, सबसे पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और फाइनली हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो पुराने सालों में क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। ठीक है, तो इतनी चीज साथ साथ हम सारे टॉपिक्स के, सारे लेसन के वन बाय वन कवर करते चलेंगे। आपका प्रिपरेशन सिलेबस के साथ साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर और रियल नंबर से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजें, जो भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखो, मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिंपल आपसे बात करता हूँ, मैं जस्ट टॉपिक से आप 2 मिनट के लिए रिलेट मत करो किसी चीजों को, मैं आपको बताता हूँ कि नंबर जो होता है ना बेटा, नंबर वो हम 2 नंबर पढ़ते हैं बेसिकली। कौन से नंबर भाई? तो आराम से आप बोलोगे एक नंबर होता है सर रियल नंबर, और आप आराम से बोलोगे कि सर एक नंबर जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। एक नंबर जो होता है रियल नंबर होता है और एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो इमेजिनरी नंबर का नाम आज तक नहीं सुना, तो ये एक्चुअल में 11th का टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, इससे हमारा कुछ वास्ता नहीं है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं, ये जो रियल नंबर था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये दोनों किसके बच्चे हैं भाई? तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चे हैं। थोड़ा पी ऊपर से लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर अपन रियल नंबर और उसके नीचे जो भी टर्म्स हैं उस पे आ जाएंगे। एक्चुअल में नंबर जो होता है वो होता है एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में ये भी 11th में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बच्चे हुए, एक हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। तो जो हमें 10th में पढ़ना है वो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में मैं आपको जनरलाइज वे में अगर बताऊं तो जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी जितने भी नंबर है सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बच्चे हो गए, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से हमारा वास्ता 10th में नहीं है, वो कब है? 11th में। रियल नंबर से हमारा वास्ता बचपन से था, आज भी है। अब एक बच्चा पूछता है कि सर ये रियल नंबर क्या होता है? मैंने बोला बेटे रियल नंबर जो होता है वो, नंबर लाइन देखी क्या आपने? नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आएंगे, चाहे वो रूट वाले नंबर हो, चाहे वो रूट वाले नंबर हो, चाहे वो डेसिमल वाले नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो निगेटिव नंबर, तो कुछ भी नंबर अगर आएंगे नंबर लाइन के ऊपर वो सारे नंबर कहलाएंगे रियल नंबर। एक बच्चा बोला कि सर मुझे अब भी समझ में नहीं आया, थोड़ा लिख के एक्सप्लेन करके बताओ ना। तो देखो, मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं कि रियल नंबर को मैं अगर क्लासिफाई करूंगा तो मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई करूंगा। पहला नंबर जिसको मैं बोलने वाला हूँ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 9th में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, अभी हम पूरे नंबर का बेसिक्स आपको अभी क्लियर कर देंगे। रियल नंबर, रैशनल नंबर, एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बच्चे हो गए, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, 11th में है वो, 11th में देखेंगे। फिलहाल रियल नंबर पे फोकस करते हैं, चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, एक रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर होता है ना,
अरे बाबू, ये रैशनल नंबर जो होता है ना, इसी रैशनल नंबर को आप क्या पढ़ते थे 9th में? नंबर नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्यों क्यों नहीं जीरो होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम हैशटैग डाल के लिख देता हूँ मैं आपको कि क्यू डिनोमिनेटर में है। देखो क्यू क्यू इज एन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो क्यू अगर डिनोमिनेटर में है और अगर क्यू जीरो हो गया, जरा सा आप समझना इस बात को कि क्यू इज इन डिनोमिनेटर एंड इफ क्यू विल बी जीरो, एंड इफ क्यू विल बी जीरो तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन विल बी पी अपॉन जीरो। इट मीन्स नॉट डिफाइन। आपने पढ़ा है ना कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो हो जाता है नॉट डिफाइन, और अगर नॉट डिफाइन हो गया तो फ्रैक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो डेफिनेशन आपका वैलिड नहीं रह जाएगा ना। डेफिनेशन वैलिड नहीं रह जाएगा तो हम क्या बोलते हैं उसको कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कंडीशन हमेशा मेंशन करते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक बच्चा पूछता है कि ये पी बाई क्यू जो है, ये पी बाई क्यू क्यों लिखते हैं सर? तो P और Q कुछ भी हो सकता है, आप A बाई बी लिखो, C बाई डी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। P बाई क्यू उन्होंने बनाया तो उन्होंने जिस नोटेशन यूज किया है, सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिखा जा सके, अगर कोई नंबर न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके तो उस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा? रैशनल नंबर। बात करेंगे इरेशनल पे भी। फिलहाल रैशनल का पूरा अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी कुछ है ले लेते हैं, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे बेसिक्स पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए पहले से कि क्या है चीजें। और वैसे भी अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक बार अगर आप ये सारी चीजों को ग्रिप कर गए तो बाकी फिर क्वेश्चंस तो इजी हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में, है ना। मैं बताऊंगा अभी कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, अपन 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आने दो, कैसा भी क्वेश्चन आने दो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, अगर समझ में आ गया तो एकदम आराम से हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कि न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में सिंपल पी वाई क्यू। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये याद करो कि किसी भी नंबर को अगर मैं इस टाइप से लिख सकूं, फ्रैक्शन टाइप से, कि कुछ न्यूमेरेटर में हो कुछ डिनोमिनेटर में हो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना तो वो नंबर रैशनल नंबर कहला जाता है, उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते। पर कंडीशन इतना याद रखना है आपको, कंडीशन 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 रेड कलर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, कि कंडीशन आपको ये याद रखना है कि क्यूब जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 टाइप थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वी हैव टू स्टडी इन 11th। सो रियल नंबर के भी 2 पार्ट हो गए, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। रैशनल में 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, इरेशनल भी पढ़ चुके हैं। बेसिक एक इंट्रोडक्शन चल रहा है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ न्यूमेरेटर में हो कुछ डिनोमिनेटर में हो, तो उस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। पर कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन हो गया तो हम कैसे बोलेंगे कि वो रैशनल है? इसलिए कंडीशन डेफिनेशन में ही लगाया हुआ है कि नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। इतना आपको समझ आ गया, ठीक। एक बात मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, फिर अगले स्लाइड में हम किसकी बात करेंगे,
इरेशनल नंबर की। अब मुझे बताओ कि क्या माइनस फाइव रैशनल नंबर है? इज माइनस फाइव रैशनल नंबर? तो एक बच्चा बोलता है कि यस सर, माइनस फाइव इज रैशनल नंबर। सो हाउ कैन यू से दैट माइनस फाइव इज रैशनल नंबर? तो वो बच्चा बोला मुझे कि सर माइनस फाइव देखो है, इसके नीचे मैं वन तो लिख ही सकता हूं ना, किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो यू कैन कंसिडर वन। तो ये देखो न्यूमेरेटर हो गया, ये देखो डिनोमिनेटर हो गया, तो मैंने माइनस फाइव को लिख दिया ना न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो अब इस फॉर्म में मैं लिख चुका हूँ, यही तो था ना डेफिनेशन रैशनल नंबर का, तो ये हो गया ना रैशनल नंबर। एक बच्चा बोलता है कि सर एक बात बताओ मुझे कि क्या एक पॉजिटिव वाला नंबर यानी फाइव, माइनस फाइव तो आपने बता दिया कि रैशनल होगा, तो क्या फाइव भी रैशनल होगा? हाँ बेटा ऑब्वियसली रैशनल होगा, क्यों? फाइव के नीचे भी तो आप वन ले सकते हो ना, कोई भी नंबर है जिसके नीचे आप वन ले सकते हो वो नंबर रैशनल हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वन बाई टू, थ्री बाई फोर, माइनस सिक्स, माइनस टू, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर के नीचे आप इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हो ना उसको न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ऑल नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव को आप बना सकते हो इस टाइप से रैशनल नंबर, तो ऑल पॉजिटिव नंबर। ये जो फ्रैक्शन है ये भी बन जाएंगे, सबको लिख सकता हूँ मैं न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर। एक बच्चा आया मेरे पास और मुझे बोलता है सर आपने सारे पॉजिटिव नंबर की तो बात की, सारे पॉजिटिव नंबर की तो बात की, सारे नेगेटिव नंबर की तो बात की, फ्रैक्शन की बात की, एक चीज छूट गया वो भी लिख लो कि 3.5 है तो क्या ये होगा? हाँ जी ये भी होगा, 3.5 का डेसिमल हटा देंगे, नीचे 10, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो डेसिमल की भी बात की, आपने जीरो की बात नहीं की। तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूं कि इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो कुछ बच्चों को लगा कि जीरो रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, पर जरा चेक करके देखते हैं कि क्या जीरो के नीचे मैं वन नहीं लगा सकता। जैसे ही मैंने ये लिखा वो बच्चा बोलता है कि सर समझ गया मैं बोला क्या समझ गया? बोलता है सर ये देखो ना जीरो हो गया ना न्यूमेरेटर, और ये देखो ना वन, ये हो गया ना डिनोमिनेटर। तो न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया ना आपने सर जीरो को, तो क्या जीरो रैशनल होगा? यस जीरो इज रैशनल। अच्छा आपको समझ में नहीं आया, एक मिनट वापस बता रहा हूँ। ये जो जीरो है बेटा, जीरो, जीरो के नीचे आप वन लिख लो, जीरो के नीचे आप फाइव लिख लो, जीरो के नीचे आप 1000 लिख लो, कुछ भी लिख लो जीरो के नीचे, वैल्यू तो जीरो ही रहने वाला है ना। पर जीरो के नीचे आप कुछ लिख रहे हो इसका मतलब आप इसको बना रहे हो ना किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे देखो ना q जीरो के बराबर भी नहीं है। न्यूमेरेटर जीरो हो सकता है पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होने का मतलब है नॉट डिफाइंड, पर अगर न्यूमेरेटर जीरो हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जीरो ही रहेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीरो इज अ रैशनल। ये A1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइंड इट, है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है। जीरो को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक क्लियर होगी। तो रैशनल नंबर आपको समझ आ गया होगा आई होप, कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको सारे नंबर हमारे ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले सारे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं बदल पा रहे हैं वो नंबर रैशनल होगा। एक डेफिनेशन और था रैशनल नंबर का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन और था, है ना, बेसिक्स कर लेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन और था, क्या था? डेसिमल फॉर्म वाले नंबर के लिए वो डेफिनेशन था, डेसिमल फॉर्म वाले। अगर आपको याद नहीं तो आप देखो द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर,
डेसिमल बेटा नोट करते जाना, इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बेसिक तरीका है कि आप समझो, नोट्स बनाओ, देन फॉलो करो। हम डेली एक एक लेक्चर करते जाएंगे, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट वेट करो, आप बस समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले लिख दूँ आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बस दो ही वर्ड है। आपने टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मूवी का नाम सुना है, टर्मिनेटर, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है ना बेटा एंड हो जाना। टर्मिनेट का जो मतलब होता है, ये जो होता है, इसका मतलब होता है एंड हो जाना। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है एंड हो जाना। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी नंबर का डेसिमल टर्मिनेटिंग। एक बच्चा बोलता है सर मुझे नहीं समझ आया, अभी कभी एग्जांपल देके बताओ। मैंने बोला अभी देता हूँ भाई। तो ये रहा 4, ये रहा 8, 8 से मैंने 4 को डिवाइड करा, 8 से मैंने 4 को डिवाइड किया। ये देखो 8 से मैंने 4 को डिवाइड किया, जस्ट क्यों, इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है मुझे। तो 8 से जैसे ही डिवाइड किया ना, तो 8 से 4 छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। तो अब ये 40 हो गया, 8 5 जा 40 जीरो, तो क्या आ गया ये 0.5। अगर कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया तो आप ये भी कर सकते हो, 4 बाई 8 को कैंसिल आउट कर लो, 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर। तो डेसिमल फॉर्म इस नंबर का, ध्यान से सुनना बेटा, डेसिमल फॉर्म इस नंबर का जो है क्या आया 0.5। क्या 5 के आगे कुछ है? नहीं है ना, 5 पे एंड हो गया, एंड हो जाने को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा होता है ना तो हम बोलेंगे वो कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर। अगर डेसिमल एंड हो रहा है, रैशनल नंबर। एक बच्चा बोलता है नहीं समझ आया मुझे, एक बात बताओ, एक और बताओ। तो अगर मैं 2/5 लूं ना, 2/5 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 5 से 2 को डिवाइड करोगे, 0.20 आ गया, 5 4 20 0। तो ये देखो ना 0.4 आया ना। तो क्या 4 के बाद और कुछ है? नहीं है ना, तो 4 के बाद डेसिमल एंड हो जा रहा है। अगर इस टाइप का डेसिमल फॉर्म आपको दिखे ना कि एंड हो गया है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम बोलेंगे वो नंबर रैशनल। टर्मिनेटिंग की कहानी तो आपको समझ आ गई कि अगर डेसिमल के बाद कुछ नंबर है और वो खत्म हो गया, उसके आगे कोई नंबर है नहीं, जैसे 0.5 0.4, दैट इज टर्मिनेटिंग। इसी को तो एंड हो जाना बोलते हैं हम। तो अगर ऐसा है तो उसको भी हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ये है आपका डेफिनेशन। पर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कंडीशन है कि वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कंडीशन है कि वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। रिपीटिंग मतलब वैल्यू रिपीट। अब जैसे देखो, आप अगर 1 से 3, 3 से 1 को डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 3 से आपने 1 को डिवाइड किया, तो 3 से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ नहीं हो रहा है तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, जैसे 3 3 9, 1 अगेन 0, 3 3 9, अगेन 0, 3 3 9, अगेन 0, 3 3 9, अगेन। तो ये जो 3 है ना, ये चलता रहेगा, इसी को तो बोलते हैं रिपीटिंग, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो दो चीज़ हो रही होगी, या तो रिपीट कर रही होंगी वैल्यू, या नहीं रिपीट कर रही होंगी। तो अगर वैल्यू रिपीट करे ना तो रैशनल बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, टर्मिनेटिंग आप समझ गए कि अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो दैट इज रैशनल नंबर, और अगर नहीं टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर रिपीटिंग नहीं होगा तो रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। रिपीटिंग या आपको नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा तो रिकरिंग भी हो सकते हैं, रिकरिंग। इसी को हम ऐसा भी लिखते थे 9th में, 0.3 और 3 के ऊपर एक बार लगा दिया,
इस इट मीन्स ये जो थ्री है ये रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। थ्री कभी एंड होगा नहीं, आप जिंदगी भर डेसिमल ये डिवाइड करते चलोगे, कभी एंड नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये है रैशनल नंबर का दो डेफिनेशन। आई होप कि अब आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया हो, है ना, कि अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द नंबर इज रैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर की बात यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर बेटा हमको इसमें काम आने वाले हैं एक्सरसाइज में, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें जरूरी है, तो थोड़ा आप फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप समझ गए फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इरैशनल का डेफिनेशन यहीं से बन जाएगा कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीटिंग वाला तो आपका रैशनल हो रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। कोई भी वैल्यू है वो, जैसे पाई की वैल्यू आप देखोगे 3.14 आगे समथिंग कंटिन्यू, मतलब वैल्यू रिपीट नहीं होता है, बदलता जाएगा चेंज होता जाएगा, रिपीट होगा ही नहीं, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इरैशनल नंबर। एक और एक चीज और है, आप ये भी देख लो, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि नॉन परफेक्ट रूट, चाहे वो पावर फोर वाला हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, तो नॉन परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब दो मिनट समझ लो, परफेक्ट का मतलब जैसे 4 का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आया 2, सो रूट 4 जो है, 4 जो है वो परफेक्ट रूट है, 2 दे रहा है, तो रूट 4 क्या होगा, 2 दे रहा है ना आपको, 2 क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन मैं बात करूं कि रूट 3 क्या कोई परफेक्ट वैल्यू आई, नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम नॉन परफेक्ट। रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 11, लाइक दैट ऑल द नंबर व्हिच इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, यू कैन से दैट नंबर इज इरैशनल नंबर, दैट नंबर इज इरैशनल नंबर। वो सारे नंबर इरैशनल नंबर होंगे, है ना, वो सारे नंबर इरैशनल नंबर। जब आप इसका डेसिमल फॉर्म करोगे तो इसके डेसिमल के बाद, जैसे रूट 3 का होता है 1.732 समथिंग, रूट 2 का होता है 1.414 समथिंग, तो ये रिपीट नहीं करेगा, 1.414 ऐसा कुछ ना कुछ, 3212 ऐसा चलता जाएगा, 1.732 1.568 9 10 1 2 ऐसा चलता जाएगा, रिपीट नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। परफेक्ट रूट है तो रैशनल होगा, जैसे रूट 9 का क्या होता है 3, तो देखो 3 एक रैशनल है ना, हम जानते हैं, पर रूट 8 क्या हो जाएगा, रूट 8 अगर लिखो इरैशनल, क्योंकि रूट 8 को आप परफेक्ट नहीं लिख सकते हो ना। एक चीज और है बेटा यहाँ पे देख लो जरा सा, कि क्यूब रूट ऑफ 8 अगर किसी ने पूछ दिया कि रैशनल है या इरैशनल, तो आपको ध्यान रखना है क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या आता है 2, तो देखो ये रैशनल है ना, तो ये क्यूब रूट किसका हो गया, परफेक्ट क्यूब रूट हो गया, ये परफेक्ट क्यूब रूट है ना, तो परफेक्ट क्यूब रूट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हमें चाहिए। तो जैसे अगर मैं रूट 9 ले लूं और यहाँ पे क्यूब रूट दे दूं, तो स्क्वायर रूट पे तो चलेगा, पर अगर क्यूब रूट दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अब टाइप्स देखते हैं जरा सा नंबर्स के, है ना, वो जरूरी है। तो रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रैशनल नंबर की क्लासिफिकेशन में करूं या ना करूं, जनरली मैं अगर लिखूं सारे नंबर इसके अंदर ही आएंगे, सारे नंबर इसके अंदर आएंगे,
अगर बोल दूं कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो आप बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स। क्या क्या आता है काउंटिंग नंबर्स में? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। मैंने एक बार क्या किया, एक बच्चे से पूछा कि क्या है काउंटिंग नंबर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ काउंटिंग नंबर -5? नहीं बोल सकते। क्या मैं बोल सकता हूँ काउंटिंग नंबर्स को 1/2, 4/5? नहीं बोल सकते। कभी आपने बोला है कि मेरे 3.5 भाई है, मेरे 1.5 ब्रदर है, मेरे घर में 5.5 चेयर है, ऐसा नहीं बोलते ना। सो काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और इसी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से, कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं होल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को। होल नंबर में देखो तुम्हें कैसा लग रहा है, होल यानी जीरो जैसा फीलिंग आ रही ना, तो काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो काउंटिंग नंबर में अगर मैंने जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो नंबर क्या बन जाएगा बेटा, होल नंबर। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जीरो से स्टार्ट होगा, सारे नंबर यही रहेंगे पर जीरो से स्टार्ट होगा, है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर होल नंबर कहलाएंगे। एक बच्चा बोलता है कि सर इंटीजर किसको बोलते हैं मुझे बताओ। तो इंटीजर देखो, इंटीजर वो नंबर होते हैं सारे प्लस वाले नंबर, सारे प्लस वाले नंबर, तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर। जीरो ऑल नेगेटिव नंबर। ये सारे जो होंगे ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ये जो है ये क्या कहलाएंगे, इंटीजर। ऑल पॉजिटिव नंबर में क्या क्या आ जाएगा देखो, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। जीरो में तो जीरो ही आएगा। नेगेटिव में क्या लिखेंगे, -∞ to -5, -4, -3, -2 सो। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये नहीं कि -∞ के बाद -5, -∞ से लेकर सारे नेगेटिव वाले नंबर -1 तक, है ना। तो ये चीज याद रखना, पॉइंट वाले नंबर यहाँ नहीं आएंगे, पॉइंट वाले नंबर अलग आएंगे, है ना, पॉइंट वाले नंबर यहाँ पे इंटीजर में तो नहीं आएंगे। ऑल पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं और कुछ लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो तो जीरो इंटीजर बोलते हैं इसको, जीरो इंटीजर। ये जो है इसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो बेसिकली अगर आप इंटीजर के टाइप्स देखोगे तो क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया। अब जो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट दो नंबर है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये आपको सीखना है, प्राइम नंबर। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्राइम नंबर है ना, ये ऐसा नंबर है जिसको खुद से प्यार है या वन से प्यार है, और इस प्यार का नाम डिवीजन है। ये प्राइम नंबर को खुद से प्यार है या वन से प्यार है, एक ही लोगों से प्यार है, या तो खुद से या वन से, और इस प्यार का नाम डिवीजन है। तो अब बोलोगे कि इसका मतलब सर प्राइम नंबर को खुद से प्यार है और वन से प्यार है, और प्यार को डिवीजन बोलते हैं, तो मतलब या तो खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ। अब सबसे पहला नंबर वन देखो, वन में क्या ये दोनों डेफिनेशन मैच होता है, वन में क्या ये दोनों डेफिनेशन मैच होता है? तो वन में तो ये दोनों डेफिनेशन मैच नहीं होता, वन तो अकेला ही नंबर है, पर हमें तो दोनों चाहिए कि खुद से भी डिवाइड हो वन से भी हो। तो वन नहीं लेंगे, टू लेंगे। टू देखो वन से भी डिवाइड हो रहा है, टू से भी डिवाइड हो रहा है। थ्री देखो टू से, थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, वन से भी डिवाइड हो रहा है। क्या मैं फोर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि फोर तो फोर से भी डिवाइड हो रहा है, वन से भी हो रहा है और टू से भी हो रहा है।
पर हमें क्या चाहिए, जो खुद से हो और वन से हो, दो ही चीज से डिवाइड होना चाहिए। पर फोर तो टू से भी हो रहा है ना, तो फोर नहीं लेंगे। फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इन नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एक नंबर और है जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिल्कुल प्राइम नंबर के ऑपोजिट है, प्राइम नंबर के आप कह सकते हो कि ऑपोजिट है। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वन और खुद को छोड़ के कोई और, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या फिर जो डिवाइड हो, जिसका फैक्टर वन और खुद को छोड़कर कोई और भी हो। वो ऐसा नहीं है कि वन से प्यार करेगा और खुद से करेगा, उसको कोई और से भी प्यार होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो क्या टू लिखूं यहाँ पे, वन लिखूं, टू लिखूं, थ्री लिखूं? नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे। क्योंकि अब आप चेक करो ये जो फोर है इसका फैक्टर क्या क्या है, वन टू फोर। देखो वन से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है, और उसके अलावा एक और फैक्टर टू भी है। क्या मैं फाइव लिखूं? फाइव नहीं होगा, फाइव का वन और फाइव ही है ना, कोई और फैक्टर नहीं है। सिक्स लिखूं? यस। एट लिखूं? यस। टेन लिखूं? यस। नाइन लिखूं? यस। एटीसी। अब आप समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिट एंड प्राइम। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें। ठीक है, चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और जो बातें हैं वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। नंबर से रिलेटेड चीजें आप समझ गए, रैशनल इरैशनल ये सारी चीजें जो भी थी। ठीक है, तो यूक्लिड का जो, अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊँ तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। देखो बेटा, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एल्गोरिदम जो होता है ना, एल्गोरिदम वो क्या है, कई बार बच्चों को लगता है कि एल्गोरिदम क्या है यार, ये सब टेंशन। तो एल्गोरिदम को ही समझ लेते हैं दो मिनट। ये जो एल्गोरिदम है ना, ये होता है सीरीज ऑफ well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। कि जैसे मुझे पता है कि लैपटॉप स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ऑन करेंगे, पावर बटन दबाएंगे, ऑन होगा, पासवर्ड डालेंगे, दैट इज द प्रोसीजर। कोई भी ऑन करेगा तो ऐसे ही ऑन करेगा, यही तो है एल्गोरिथम। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक डिफाइंड वेल डिफाइंड स्टेप्स है, उसका प्रोसीजर है, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड ने भी एक प्रोसीजर दिया, एक एल्गोरिथम दिया, एक प्रोसीजर बताया, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक प्रोसीजर दिया कि आप HCF कैसे फाइंड कर सकते हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में एक वर्ड और लिखा है लेमा, कई बार बच्चे बुक में देखते ही परेशान हो जाते हैं, व्हाट इज लेमा। तो ये लेमा की भी कहानी निपट डालते हैं। एक्चुअल में दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेमा क्या है कि लेमा
It is a proven statement used for proving other statement. ये जो लेमा है ये कोई प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट, किसी ने एक स्टेटमेंट प्रूव कर दी और जब भी मुझे कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने की जरूरत पड़ती है तो इसको यूज करता हूँ, तो उस प्रूवन स्टेटमेंट का नाम है लेमा, है ना, उस प्रूवन स्टेटमेंट का नाम लेमा है। ठीक है, चलो लेक्चर को बोर हो रहा होगा आपको थोड़ा सा, तो बोरिंग ना करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो आपको लगने वाला है यूक्लिड्स, और देखना ये कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप समझ गए होंगे यूक्लिड वो इंसान है जिसने ये प्रोसीजर दिया, एल्गोरिथम मतलब प्रोसीजर, डिवीजन मतलब तो आपको पता ही है। तो यूक्लिड है, अगर मैं देता तो मेरे नाम से होता, आप देते तो आपके नाम से होता, सो यूक्लिड हैज गिवन दिस एल्गोरिथम, सो नेम इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नाम इतना बड़ा है आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि क्या आप 13 को डिवाइड कर सकते हो 4 से? आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, वी आर इन 10th स्टैंडर्ड। सिंपल डिवीजन है, 4 3s are 12, सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, खाएगा वो। तो एक बात बताओ ना मुझे, बस तुरंत रिलेट कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक आपके डायरेक्ट दिमाग में, मेरी गारंटी। इस 3 को क्या बोलते बेटा, कोसेंट बोलते हैं, QUOTINT कोसेंट। किसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना, और ये क्या होता है आपका डिवाइजर, और ये डिविडेंड होता है आई थिंक, मैं सही कह रहा हूं, डिविडेंड होता है। ये 7th स्टैंडर्ड में हमने पहले ही पढ़ा है, आपको जस्ट याद दिला रहा हूँ मैं, ये 7th स्टैंडर्ड में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आपने 7th में ये नहीं पढ़ा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये सच में ट्रू होगा, रख के देख लेते ना बेटा। डिविडेंड क्या है आपका 13, डिवाइजर क्या है आपका 4, डिवाइजर की देखो ना, डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड रखा, डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर रखा, कोसेंट की जगह पे कोसेंट रखा, रिमाइंडर कितना आया 1, चेक कर लो 13 LHS है, क्या RHS भी 13 आ रहा है क्या, 4 3s are 12 plus 1 13, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये राइट है। यूक्लिड छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे यार, ऐसे तो नहीं कह सकते कि गलत है, है ना, फिर भी हमने चेक किया कि ये जो हमने लाया है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये ट्रू है। तो अब यूक्लिड ने क्या कहा, इसी डिवीजन को देखो ध्यान से देखना, इसी डिवीजन को यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दे डाला, क्या स्टेटमेंट, उन्होंने कहा फॉर एनी टू, देखना ध्यान से इसी को लिख रहा हूं मैं यहां, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो ए एंड बी है देयर एग्जिस्ट, हाई फाई ने इसमें लिख दिया और कुछ प्रॉब्लम नहीं, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट
इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, मैं समझाता हूँ ये क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, जस्ट जो हमने ऊपर किया ना ये डिवीजन उसी को लिखा है, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट बस। वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको एक बात और बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना बाबू, ये कहाँ पूछा था आपको? सीबीएसई 2009 में, सीबीएसई 2009 में यूक्लिड का स्टेटमेंट पूछ लिया था, है ना? स्टेटमेंट बहुत आसान है, देखो, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमारा पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे क्या था? 2, 4 था, 13 था। डिवीजन से रिलेट कर रहा हूँ, एग्री करो इस बात को कि दो पॉजिटिव इंटीजर, अभी हमने इंटीजर पढ़ाया ना, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो पॉजिटिव वाले दो इंटीजर लिए 4 और 13। देर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, मतलब इनको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बताओ ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड, बी की जगह पे लिख रहा हूँ डिवाइजर, क्यू की जगह पे लिख रहा हूँ कोसेंट और आर की जगह पे लिख रहा हूँ रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बताओ यही है ना? आ गया समझ में? यही है ना, तो यही है इक्वलिटी का स्टेटमेंट, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक डिवीजन जो हम करते हैं ना, ये जो डिवीजन करते हैं ना, इसी को उन्होंने लिखा कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर, मतलब इन दोनों इंटीजर के लिए हमेशा यूनिक कोसेंट आएंगे, यूनिक रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर का रेंज सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्कर, दिमाग में घुसा लो कि जो रिमाइंडर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और b से, यानी b क्या है हमारा डिवाइजर, उससे छोटा होगा, b से उससे छोटा होगा। देखो ना मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, कि ये जो 13 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12 0, ये बना गया। तो अगर समझो 4 जब आप लगाते हो डिवीजन, या फिर इसी डिवीजन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ, देखो 12 कर दिया, 4 3 12, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 के बराबर भी आ सकता है या उससे बड़ा आएगा, b से छोटा आएगा, b क्या है डिवाइजर, इस 4 से तो हमेशा छोटा आएगा क्योंकि 4 के बराबर आ गया तो आप डिवाइड अगला कर दोगे और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि 0 के बराबर, ये से याद रखना भाई, बच्चे भूल जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिखना है, सो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और b से छोटा, ये आएगा हमेशा रिमाइंडर। तो इसी चीज को यूक्लिड ने बोल दिया ऐसा। तो आपको ये यूक्लिड का स्टेटमेंट, जो सिंपल हम बचपन में डिवीजन पढ़ते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल, बाकी के क्वेश्चन HCF सिखाना है आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम HCF सीखेंगे, है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के ऊपर, मैं लिखता हूं, आई होप कि आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन है अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 as cosec and 21 as remainder. Find the number. सबसे पहले देखो, कोई नंबर है जिसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, कोसेंट मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है। बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या था आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस
रिमाइंडर, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ से आप लिख लो वन बाय वन क्या क्या है क्या नहीं है, लिख लो बस। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, 53 से। सो डिवाइजर क्या हो गया आपका 53। 34 एच कोसेंट, तो कोसेंट क्या मिल गया आपको 34। जस्ट क्वेश्चन एक बार रीड करोगे आप समझ जाओगे बहुत इजी। 21 एज रिमाइंडर, सो रिमाइंडर क्या है 21। अब आपको डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड मतलब वो नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर कौन सा होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज डिविडेंड। तो डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर लिखो, क्या है भाई 53। कोसेंट की जगह पे कोसेंट लिखो 34, एंड रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर। तो 53 इंटू 34 करोगे आप कितना आ जाएगा 1802, है ना, प्लस 21, तो आपका आंसर बन जाएगा फाइनल 1823। 1823 इज द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 53, गिव्स 34 एज कोसेंट एंड 21 एज रिमाइंडर। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फाइंड HCF बाय यूक्लिड लेमा। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आपको वो सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, एक सेकंड में लिख रहा हूँ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया उसी के बेसिस पे है, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आते आते। क्वेश्चन है अ नंबर, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज कोसेंट एंड 32 as remainder, find the number, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपको रिप्लाई मिलेगा और नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। Thank you.